वो जब हद खत्म हो जाती है तो उसमें से एक मात्रा बनता है प्यूरिन, उससे एक मात्रा बनता है प्यूरिन। और जब आप बहुत देर सोते हैं तो वो सारे जो क्रिस्टल्स हैं आपके यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स होते हैं वो आपके इधर आके डिपॉजिट हो जाते हैं, याद रखिए। यहाँ जब आप सुबह उठता है वो उसको बहुत दर्द होता है यूरिक एसिड के डाउट कह रहे हैं। जी सर, जी सर, वो फिर दोबारा हल हो जाते हैं उसके अंदर। यूरिक एसिड के क्रिस्टल जब टूटे उसके बॉडी में फिर डिसॉल्व हो जाते हैं। फिर जैसे ही उसने दोबारा आप देखिए रेस्टिंग पोजीशन में आएगा बहुत देर के लिए, फिर यूरिक एसिड नीचे आएगा, फिर उसको दर्द हो जाएगा। उसका फिर यही है कि आप दो यूरिक या ये गोली का खाने की बजाय एलोप्रिनॉल वगैरह जो दी जाती है, जैलोरिक वगैरह, उसके जब आप प्रोटीन को एक्सक्लूड कीजिए अपनी डाइट से, चने की दाल है, गाय का गोश्त खासतौर पर, उसका यूरिन बहुत ज़्यादा होता है, पानी बहुत पीजिए, कच्चा पपीता लेके उसको उबाल के उसका पानी ले लीजिए, 3 दिन के अंदर आपका यूरिक एसिड डाउन डाउन सा बिल्कुल कम हो जाएगा। तो ये आप बॉइल करके पानी कच्चा पपीता लेके उसको डालिए और उसको आप पीजिए। नींबू निचोड़ के आप खट्टी चीज़ें आप खाइए, सिट्रिक एसिड वगैरह, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी को डेवलप करता है। ये उन्हीं लोगों का होता है जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती जा रही है। तो योगा मैं कहता हूँ इज़ द चीपेस्ट टूल ऑफ हेल्थ, ये सबसे सस्ता यानी टूल ऑफ हेल्थ विदाउट एनी साइड इफेक्ट, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, योगा इज़ द जर्नी ऑफ द सेल्फ टू द सेल्फ थ्रू द सेल्फ, ये एक जर्नी है आपको अपने आप को पहचाने। अब योगा ही आपको बताता है ना बॉडी इतनी मुड़ेगी, और कहाँ आपको पता चल, आपको खुद पता चलता है यार मेरी तो इतनी है इससे ज़्यादा है। तो ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि बायोकार्ड इन्फेक्शन क्या है, यूरिक एसिड क्या, कोई और बीमारी आप जानना चाहते हैं मुझे बताइए, मैं आपको उसको भी बता दूँगा। आपको आजकल कंजक्टिवाइटिस बहुत हो रहा है आँखों का, उसके लिए आँखों को आप धोइए, आँखों को ऐसे पकड़िए, ऐसे डाल लीजिए। ज़्यादा आपको जानना है तो किसी केमिस्ट की दुकान पर चलिए, महंगा कतरा कोई नहीं लेना आपने, क्रोमफेनिकॉल विद कॉम्बिनेशन ऑफ डेक्सामेथासोन, ये आप बोल दीजिए 50 रुपये का आता है कतरा, मैंने अपने चौकीदारों सबको बांट दिया, वो डॉक्टर आपको 400 वो जो मेडिकल रैप जाएगा उसके लिखेगा, आपको दवाई कोई ज़रूरत नहीं है उसके अंदर, उससे 3 या 4 दिन बाद फिर चले जाना आता, जिसके लगा हो उसको देखे मत, क्योंकि वायरस कंटेजियस है, आपको लगता है ये इसका क्या पूछना था, आर्थराइटिस। आर्थराइटिस ये होता है कि आपके ये जो घुटने में जो अंश है ये दो हड्डियाँ से आके जुड़ी हैं, बीच में कुशन होता है, कुशन समझाने के लिए आपको बोल रहा हूँ, ये पटेला है, यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन कम होती है और कार्टिलेज कुड़कुड़ी हड्डी होती है साइड पे, आप देखे पाए होंगे 40-50 साल के बाद ये जो हम ये करते हैं देखे ना मुस्ताद साहब कराते हैं ताकि एक्टिवेट रहे, जब ये नहीं होता तो आपकी कुड़कुड़ी हड्डी टूटना शुरू हो जाती है, इरिवर्सिबल है ये भी। तो आप देखिए जब लोगों को ये कड़क कड़क की आवाज़ें आई ना, उसी वक्त अल्लाह ताला सिग्नल देता है आपको, आप उसी वक्त उसको पकड़िए, ये भाई बच्चे के कड़क कड़क की आवाज़ क्यों नहीं आ रही, 10% आपके कड़क कड़क आ रही है, क्यों आ रही है, वो आपसे सिनेविल फीट मांग रहा है, वो अपना गजा मांग रहा है। आप उसके बहुत से तरीके जैसे मुस्ताक भाई कराते ये है ये है ये है ये है ये आप करें, इस तरीके से करें तो बहुत आपका, लेकिन अगर टूट गया वो इनरिवर्स, कुछ चीज़ों का बतावा नहीं है, तो आप वक्त से पहले करें। क्यों कहते हैं कि जवानी में एक्सरसाइज शुरू कर दिया, ये बिल क्लिंटन साहब पे जो फरिश्ता हुई थी उनकी सेक्रेटरी, उससे कहा था बिल क्लिंटन को अगर आप एक्सरसाइज करते व्हाइट हाउस में देख लें तो 16 साल का लड़का एक्सरसाइज नहीं करते थे वो थे, और बकौल उनके कि जितना सेटिस्फाई मैं उनसे हुई किसी से भी, मॉनोलिस्ट की जो उनकी वो थी गर्लफ्रेंड, इतने एक्टिव थे, इतने वो थे, तो बड़े खूबसूरत आदमी थे। जेफ कैनेडी के बाद उनको टिकट क्यों दिया गया आपको पता है, इनका अपर जेफ कैनेडी से मिलता है, कैनेडी सबसे जगह बिल्कुल देख सकते हैं उनका, जेफ कैनेडी एक रोमांटिक फिगर है बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस, उनकी बहुत खूबसूरत लड़के सब उस पर फरिश्ता है, और उनको मारा क्यों गया, वो इसलिए मारा कि वो एक्ट्रेसेस उनके गिर रहती थी, CIA ने उनको बताओ मुतरबे किया, नहीं किया तो CIA ने उनको उड़ा डाला, तो आपको ये पता होना चाहिए। इसी तरह आप याद रखिएगा इंग्लिश का एक असूल है टिस, जिसका मतलब है सूजन, मैंने पहले ही बताया था, ये आपके आँखों में आ गया तो कंजक्टिवाइटिस हो गया, नाक में आ गया साइनसाइटिस हो गया, यहाँ पे आ गया टॉन्सिलाइटिस हो गया, यहाँ पे आ गया लैरिंजाइटिस हो गया,
इसके पीछे आ गया, फेरेंजाइटिस हो गया, जिधर भी टिस लगे आप समझिए कुछ सूजन है। तो ये आपको बेसिक चीज़ पता हो ना तो आप बहुत करें, और डॉक्टरों से भागें, ज़्यादा खुशामद ना करें, डॉक्टर के पास दिखता जाएंगे, मरीज बन जाएंगे। उसका मैं आपको एक हल बताता हूँ, आप चार डॉक्टरों के पास चले जाइए, चारों की प्रिस्क्रिप्शन डिफरेंट होगी, चारों का डायग्नोज डिफरेंट होगा। अब वो कहेगा जी बस यूँ कर लीजिए, यूँ कर लीजिए, इसको चेंज कर लीजिए, जो मेडिकल रैप उसके पास गया, मैं तो मेडिकल रैप ही रहा हूँ, ये क्या मांगते हैं डॉक्टर लोग अंदर। मुझसे एक बड़े डॉक्टर कराची के, उससे कहा एसी लगवा दीजिए आप, और जी ये हो जाएगा। छोटी चीज़ मांग ली उसने, एक कहने लगा, एक पड़ा था NICVT का, मुझे अमेरिका भिजवा दीजिए तो मैं ये लिखूँगा। तो हमने देखा पाँच चार चीज़ें, वही चीज़ें जा रही थी, सवाए चंद डॉक्टरों के, डॉक्टर गुलाम रसूल असल स्क्वायर पे बैठ के मुझे नहीं मालूम जिंदा इंडिपेंडेंटिक कंसर्न डॉक्टर सरकार भोटा, ये लोग कोई किसी डॉक्टर का ना खाते। मरीज के अंदर इब्न हसन साहब, वो किसी का नहीं खाना खाते, किसी कंपनी का खाना नहीं। तो इब्न अजीब नहीं, वो बड़ी मजबूरी में खाते हैं, हमारे खाने पे भी उन्होंने ले लिया, लेकिन बताते खुद उनके पास अल्लाह ताला ने इतना दिया, उनकी उनकी फातिमा हसन जी पूरी फैमिली बड़ी एक रिफाइंड है, लेते हैं लेकिन बड़े प्यार बड़े हिजाब से, हमारा रोसेपिन था रोज का बड़ा लिखते थे वो, लेकिन थोड़ा जैसे मांगते थे ना कि इनमें नहीं हुए बात, तो फूके ऐसे थे हाँ। तो आप डॉक्टरों से बचें, ज़्यादातर अपने आप पर हेल्प करिए, अपने आप इस तरह से रिलैक्स कीजिए, टेंशन से दूर रहिए, टेंशन मार रही है और उसके टेंशन का क्या तरीका दूर रहने का, आप तनाव पे आ जाइए, जिस चीज़ पे अल्लाह ने रखा उस पर राजी है। भाई हमसे नीचे भी तो बहुत है ना, मौलाना शिबली नुमानी अपनी किताब अल कानून में लिखते हैं, शिबली नुमानी साहब मुसलमान की तरक्की ये नहीं कि आप बिल गेट्स को देखते रहे वो कितना अमीर हो गया, उस जमाने में बिल गेट्स का मिसाल दे रहा हूँ कि कितना अमीर हो गया, मुसलमान की तरक्की है कि वो औलिया अल्लाह को फॉलो करते हुए तबा ताबेईन को फॉलो करे, फिर ताबेईन को और सहाबा को फॉलो करते हुए गर्दे खाक बन जाए, ये मुसलमान की तरक्की है। मुसलमान की तरक्की ये नहीं है इसके आप देखें इतना ही, ये अल्लाह ताला ने मुकद्दर है, कुछ लोग पढ़े लिखे हैं अल्लाह ने इतना पैसा दिया, कुछ पढ़ लिखी, ये अल्लाह की देन है यार, इसलिए हमें राजी होना चाहिए। टेंशन नहीं ले बाबा, टेंशन नहीं ले, टेंशन मत लीजिए, आप टेंशन से फ्री हो जाए, मैं कह रहा हूँ आपकी 90% ये ब्लड प्रेशर और शुगर ये सब टेंशन से है। और मैंने पहले भी बताया था जो आपके माजी के जो मुतहरकात ये होते हैं ये सब आपको डिप्रेशन में ले जाते हैं माजी से, और जो फ्यूचर की आप मनसूबाबंदी करते हैं ये एंगजाइटी है, ये डिप्रेशन और एंगजाइटी में फ़र्क है। डिप्रेशन इवेंट्स ऑफ द पास्ट मेक यू डिप्रेस, और फ्यूचर का सोचते या घर बनाना है, बेटी की शादी कैसी करनी है, ये एंगजाइटी है, इन दोनों चीज़ों से आप दूर रहें। बबन यह तबक अल्लाह हासद है, जिसने अल्लाह पर भरोसा किया उसके अल्लाह ही कहते हैं। अगर दूसरा क्या थे हजरत इब्राहिम को बोलो ना कूद जो आतिश नमरूद में कूद पड़ा इश्क, अलामा इकबाल कहते हैं अक्ल है तमाशा है लबोबाम अभी, अकल परेशान है ये हुआ क्या, क्या पढ़ा था आपने जाते हुए आग हसबुनल्लाह नेमल वकील, बस ये सऊदी आप देखिए बहुत पढ़ते हैं हसबुनल्लाह नेमल वकील, जो सऊदिया में रहे उनके यहाँ बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने देखा, बड़ी अजीब सी बातें जैसे बीमार है अलहमदुल्ला अलहमदुल्ला, हम तो ये नहीं कभी कहेंगे बीमारी का लाइक, वो कहते हैं अलहमदुल्ला अल्लाह के हर आते हसबुनल्लाह नेमल वकील, वो अक्सर कहते हैं आपसे अगर वो कोई चीज़ समझ में नहीं दें अल्लाह तो हसबुनल्लाह नेमल वकील, इस तरह यानी बात बड़ी अजीब अजीब बात है, तवक्कल अल्लाह हसन बड़ी अच्छी बातें हैं उनकी, ये कल्चर की जो मुझे पसंद है। खास तौर पे उन्होंने औरतों को जो लिबरल दी आज़ादी की उसका मैं बनाता है, खराबी भी अभी भी जाहिर आती है लेकिन उससे फ़ायदा है। देखिए अकबर इलाहाबादी ने भी अपने दौर में कहा था हामदा चमकी ना थी जब इंग्लिश से बेगाना थी, उनकी ख़ानदान की पहली लड़की हामदा इंग्लिश पढ़ने गई, मुसलमान मौलवी सारे आ गए कहने यारे तो कुफर कर रही, उन्होंने कहा भाई जाने दी, तो वो अकबर इलाहाबादी खुद कह रहे हैं हामदा चमकी ना थी जब इंग्लिश से बेगाना थी, साढ़े सात पहले चरा के खाना था अब कमाए वैसे 41। ये सब चीज़ें बड़ी ज़रूरी है, वक्त के साथ साथ बदलना पड़ता है। और अकबर इलाहाबादी कहते हैं यानी अंग्रेज़ के बारे में लिखा, अंग्रेज़ यानी क्यों कर वो माने अल्लाह ताला को, यानी फलसफी को बहस के अंदर खुदा मिलता नहीं, डोर को सुलझा रहा सिरा मिलता नहीं, ये ऐसी आप नहीं हासिल कर सकते, आपको यकीन करना पड़ेगा उसके ऊपर, और यकीन भी आपको वो होना चाहिए यकीन मोहकम। हमारे आस्तम भाई एक दुआ कराते हैं, मैं कहूँगा आप लोग अगर आप याद कर लें तो बेहतर है, वैसे मेरा मुँह तो छोटा है बड़ी बात नहीं कहनी चाहिए। सूरह बकरा जो आखिरी आयत है ये बगैर वही के बहुत से लोग कहते हैं नाज़िल हुई है,
मेराज के मौके पर, मेराज के मौके पर, और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राइल ने कहा दरवाज़ा, एक दरवाज़ा पहली बार खुला आपसे जब तक हजरत दुनिया में, और उस दो चीज़ें आपकी उम्मत को नसीब की गई, एक सूरह फातिहा, एक सूरह बकरा के आखिया। रब्बना, मैं चूँकि अरबी जानता हूँ मैं इसलिए आपको बता दूँ, रब्बना ए मेरे रब, ला तो आखिस्ना, ला मतलब नहीं, ला इला इल्लल्लाह, आखिस्ना आखिस्ना मतलब पकड़ना, ला तो आखिस्ना, रब्बना ला तो आखिस्ना इन नसीना, अगर हम भूल जाए, नसी नसियान से है, नसियान का इन नसीना, औ अख्ताना या हमसे हमारे रब खता हो जाए, लफ्ज़ सुनिए कितने खूबसूरत है, रब्बना ला तो आखिस्ना इन नसीना उख्ता, रब्बना वला तहमिल ए मेरे रब, नाम पे लादा ताकि हमल से निकला है, हमल का मतलब क्या है, लादना, औरत के हमल होता है ये, अगर आपको अरबी आ जाए तो बड़ा इन्जॉय करते हैं, बोला तहमिलना अलैना हम पर इस रन बोझ कमा हमल दजीन अलल दजीना मिन कब लेना अलल दजीना लोगों पर, जीना जहाँ पे आ जाए या जो लजीना लोगों पर, मिन कब लेना जो हमसे पहले थे, रब्बना बोला तो हम मिलना ए हमारे ना नहनों का मतलब रान बना ए हमारे रब, अब लापना ला तो हम मिलना जो हम तहमुल नहीं कर सकते, माँ ला ताकत ना भाई जो मेरे अंदर ताकत ना हो, वाफ अन्ना दर गुदर फना दे, वक फिलना व हमना अंत मौलाना तू हमारा रब है, वक सुरना मदद फरमा काफरी, आज के दौर के तो पूरी फिट करती है, याद कर लें ये दो वो हैं तो दरवाज़ा खुला है, आदत है आदत जिब्राइल ने समझाया, तो वैसे मैं कोई इतना वो नहीं हूँ लेकिन फिर भी मैं मेरे वालिद साहब ने चूँकि पांचवी जमात मुझे याद करा दी थी सूरह बकरा के आखिरी में और सूरह यासीन मुझे याद कराई, तो ये चीज़ें बड़ी अहम है, बाद में मुझे पता चला ये इतनी अहम चीज़ है, तो आसफ़ भाई पढ़ते हैं तो वो मुझे उसका तर्जुमा जब बड़ा समझ में आता है तो बहुत अच्छा लगता है, तो थोड़ी बहुत बेसिक अरबी आप ज़रूर जानिए, कुरान को जानने के आप बहुत इन्जॉय करेंगे, आप ज़रूर पढ़िए। डॉक्टर शेख साहब वो हमारे को जिल्द में जो ख़राबी है आप बोल रहे हैं कि डॉक्टर के पास नहीं जाओ, ये जैसे मच्छर काट के भाग जाता है तो ऐसे ददोड़े से पड़ जाते हैं, कोई जिल्द का भी कोई हल बता दें, वो अर्थम भाई बालों का जिल्द हसास होती है लोगों की, बालों की देखिए जिल्द से पसीना बहुत निकलता है, बालों के पसीने में बड़ी बदबू होती है, आप देखिए उनके पास बैठे तो आपको बालों के पसीने में नहीं होती इतनी, तो ये अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ें बनाई हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं एक ऐसी फैमिली को जानता हूँ 42 साल के अंदर उनको हार्ट अटैक होता है, उनकी फैमिली के हर बच्चे को, बाप को हुआ, दादा को हुआ, अब बेटा ये 41 का हो गया है तो वो डर रहा है, अच्छा अब ना भी हो ना, वो सोच ऐसी है कि उससे वो परेशान है, मैंने कहा सोच ही तुझे ले आएगी ये हार्ट अटैक, क्योंकि ये हो रहा है, तो जैसे कहते औरत का असकात हमल हो जाए, इस कह रहे पहला नो प्रॉब्लम, सेकेंड कॉशियस, थर्ड हैबिचुअल, अगर तीसरा उसका चला गया तो चौथा भी चला जाएगा, तो टेंशन भी इतनी है बेचारी उसके लिए कि यार अब ये रहेगा ही नहीं, ये बहुत चीज़ें होती है, कुछ अल्लाह ताला ने इस तरीके से हमारी वो कि ये कंप्यूटर में फिट किया हुआ है हमारा सॉफ्टवेयर, उसका पता नहीं होता, आप देखिए बाद लोगों में शुगर है, बच्चा जब पैदा होता है ना उसकी जीन्स या जीन्स जो आप सुनिए उसमें 23 हिस्से समझ लीजिए वो माँ से लेता है, 23 हिस्से बाप से लेता है, 46 से मिलते होते हैं, अगर आप खानदानों में शादियाँ करेंगे तो उसका नुकसान यही है, फिर आपकी जीन्स के अंदर वैरायटी नहीं आती, अगर असलम भाई को शुगर है उसको शुगर नहीं है तो इनके अगर बच्चे शुगर वाले में करेंगे तो लाजमी वो बच्चा भी शुगर, लेकिन बाहर से करेगा तो क्या होगा, बाहर से वो 23 जीन पकड़ेगा जिसे शुगर नहीं है, यहाँ से पकड़ेगा तो उसमें क्या होगा, दो बच्चों में आ जाएगी शुगर, तीन में नहीं आएगी, वो अगर आगे करते हैं एक में रह जाएगी, दो में नहीं रहेगी, इस तरीके से यही एक हाल है, इसलिए इस्लाम ने बोला है कि अपने कदम से बाहर आ जाते हैं, हाँ बड़े फ़ायदे हैं, आप देखिए जीन्स डॉक्टर कहते हैं नहीं कीजिए आप इसके अंदर, तो बड़े फ़ायदे हैं इसको, आप थोड़ी सी बायोलॉजी आप समझे तो आपको पता चलता है, कई चीज़ यहाँ से लिए ये लीजिए, आप देखिए ये जैसे असलम भाई हमारे असलम भाई के वालिद साहब कश्मीरी थे, वालदा कश्मीरी थी, वालिद साहब दिल्ली के थे, अब दोनों पार प्रोडक्ट बन के खूबसूरत प्रोडक्ट बन गया, आपको मैं एक ऐसी फैमिली को जानता हूँ डिफेंस स्पेस टू के अंदर
जो हमारी जैसी शक्लों के हैं, लेकिन वो सारे कश्मीरी लड़के लाए हैं। वो बस उनकी अम्मी को ये था, हमारे पोते पोतियाँ बहुत खूबसूरत हैं, अपने अल्लाह ताला उनको बहुत दे देने वाले अल्लाह की राह में बड़ी खूबसूरत लड़कियाँ लाए हैं वो लोग। जल्द सही हो जाएगी। उनके बैठी थी उनकी बहू, तो मेरे साथ एक भी बैठी थी, वो कहने की उनकी बहू ऐसी है कि मक्खी भी बैठे तो तिलक जाए, इतनी खूबसूरत वो लेके आई। और वो के पोते माशाल्लाह बेटियाँ सुनहरे, ये दो के नीली आँखें निकल आई, वो क्योंकि नीली आँखों वाली लेके आई थी, ये फरमाइश थी उनकी, तो दो बच्चे काली आँख पे चले गए। तो मैं तो बता रहा हूँ उन्होंने चेंज किया, इस तरह होता है। तो मैं आपको आपने आपने असम भाई की मिसाल दे रहा हूँ, कम्बिनेशन ऑफ दिल्ली एंड कश्मीर, कलर देख लीजिए उनका कश्मीरी है, कश्मीरी कलर है पूरा। असम भाई को कोई भी देख ले, और भाई इनके नवासे की जो शादी हुई थी जिसमें हम गए थे, वो बिल्कुल कश्मीरी लग रहा था। आप देखें इसका कट वगैरह, आप बिल्कुल असम भाई की तरह सुर्ख, ये कश्मीर में अगर आप जाएँ तो आपको इसी तरह लोग सुर्ख सफ़ेद नज़र आएंगे आप, बल्कि अजीब सी रेडनेस होती है पहाड़ी जैसी। चलिए जी, असम स्वागत। सर वो जिल का नहीं बताया आपने, जिल सही है आ गई है। ये हमारे डॉक्टर शुएब साहब जो है माशाल्लाह बड़ी अच्छी योगा करते हैं, TWC योगा, और अभी शुरू में योगा कराया और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। बड़े उस्ताद नहीं है, थोड़ा सा ना अब हमें कुरान को जरूर पढ़ना चाहिए। देखिए मैं अब यहाँ से जाके ना, कहना तो नहीं चाहिए, छोटी मुँह बड़ी वाली बात है, लेकिन मौका मिले तो कह देनी चाहिए। शायद किसी के मैं तफसीर पढ़ता हूँ सईद मोहम्मद तकी उस्मानी साहब की, क्योंकि मेरा दारुल उलूम देवबंद की तरफ ज़्यादा टिल्ट है। ये नहीं कि मैं पक्का उनको फॉलो, मैं अहमद रज़ा बरेली साहब को भी बुरा नहीं कहता, कंजुल ईमान भी उनकी मेरे पास पढ़ी हुई है। जब उन्होंने कंजुल ईमान में लिखा शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा मैं बताऊँ, उनके शागिर्दों ने उनको कहा कि आप ये उर्दू गलत कर रहे हैं, शुरू पहले आएगा अल्लाह बाद में आएगा। उन्होंने कहा यार वो बात ठीक है, वो मुझे भी पता है, लेकिन मेरी गैरत पसंद नहीं करती, मैं अल्लाह बाद में देखूँगा, शुरू पहले लिखते। तो ये अल्लाह के सब चाहने वाले हैं, चाहे देवबंद हो बरेली, हमें इस चीज़ें नहीं पढ़ना चाहिए, हमें अपने तौर पर समझना चाहिए जो है, और जो हमें अच्छा लगे। आप हज़रत पाक सल्लम की हदीस है, जो चीज़ आपको शक में डाले उसको तर्क कर दें, आगे चलें, आपको नहीं भारा छोड़ दें, आप आगे चलें। ये नहीं कि उसको दान तक मर गया मौदूद, ना फातिहा ना दुरूद नहीं बोलेंगे अल्लाह, क्या पता मौदूदी साहब किस मुकाम पर, हमें क्या पता है, हमें तो नहीं पता ना किस मुकाम पर। या वो मैंने देखा बरेली लोग, बाज़ देवबंदी लोग मेरे लिए शाह साहब को बुरा कह रहे थे, एक जगह पे मैं बैठा हुआ था दारुल उलूम कुरंगी के अंदर, वो साहब जब बोल दिया तो मैंने कहा मेरे लिए शाह साहब के बारे में आपको पता है क्या थे वो, तो थे वो आलमे दीन थे। मैंने बड़े अदब से उनसे बोला सर, जब मिर्ज़ा गुलाम कादियानी से उनका मनाजरा होने लगा तो उन्होंने कहा दवात चलेगी और कलम चलेगा, मैं खामोश रहूँगा और तेरे बारे में लिखेगा, तो मनाजरा उससे कबूल कर लिया। तो अब वो थरतली पड़ गई उनके शागिर्दों में भी, ऐसा ना दवात अगर ना चली कलम ना चला तो क्या होगा। वो आए ही नहीं मिर्ज़ा गुलाम कादियानी मनाजरे पे, अमृतसर के अंदर था, तो उनके शागिर्द ने कहा सर मैं तो डर रहा था वो आ जाते, ऐसा कहने लगा, फिर आज तू देखता कि वो चलता। फिर इन्होंने ये कहा कि इनको हज़रत पाक सल्लम की ज़्यारत हुई, हालांकि मैं लखनऊ से हूँ लेकिन मैंने ये पंजाबी कलाम याद किया, मेरे वालिद साहब को बड़ा पसंद था, मेरे वालिद साहब बड़े अकेडमिक थे, कितने मेरे अली कितने तेरी सना गुस्ताख रखियाँ कितने जा लड़िया, ए सूरत नू में की आखा जान आखा के जाने जहां, सच आखा ते रब दी शान आखा जिस शान तो शाना सब बढ़िया, कितने मेरे अली कितने तेरी सना गुस्ताख अखियाँ कितने जा लड़िया। बुक चंदर बदर शाशानी है आपका आंख, जब मैंने आपको देखा तो चौधरी चंदर बदर शाशानी है, काली जुल्फ त्याग मस्तानी है, कह रहे हैं आप ये मुखड़ा उनका देखिए आप कैसा बयान कर रहे हैं, हजूर का हजूर बख्त उपचंदर बदर शाशानी है, काली जुल्फ त्याग मस्तानी है, मथे चमके लाट रारी है, मखबूर अखियाँ कितने जा लड़िया, कितने मेरे अली कितने तेरी सना गुस्ताख अली किधर जाना माशाल्लाह। और वो एक और भी उनका एक शेर ऐसी के अंदर जो मुझे सही तरह याद नहीं आ रहा, दो कौस अबरू मिसाल हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई देख नहीं सकता था, आपको ये पता होनी चाहिए बात,
हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने दो बार कोशिश की तो आँखों में पानी आ गया, इसी हजरत सदम अपनी आँख को नीचे करते थे ज़्यादा उनको ना देखें। तो वो पी मेरे लिए शाह साहब कह रहे हैं कि ये जो उनकी ये थी कमान की तरह थी, दोपरू कौस मिसाल दसक दसन कहते हैं कमान को, नोक में इतना तो तीज, और ये उनकी जो पलकें थी ये तीर की तरह निकलती थी जब वो देखते लोग के चित्ते लबा सुर्ख आँखा के लाले यमन चिट्टे दन मोती दी लड़ियाँ कितने मेरे अली कितने तेरी सना गुस्ताख अखियाँ कितने लाड़ी। तो मैंने उर्दू स्पीकिंग होते हुए भी इसको याद किया, ये इतना मुझे पसंद आया तो मैंने उनको बताया बात मेरे शाह साहब ने ये कहा। अब उनको आप ये कह रहे हैं कि वो भागा हुआ लुटेरा, उन्होंने फिर कहा कि अशरफ अली थानी साहब को आके किसी ने कहा अच्छा ये अहमद रज़ा बरेली साहब कहते हैं ये चीज़ तो है, तो खैर हमारी भी समझ में नहीं आता, तो खुदा नहीं बा खुदा नहीं लेकिन खुदा से जुदा नहीं, वो हमें भी समझ में नहीं आता। और कुछ उसके बाद लुफ करके बयान किए उनके तो अशरफ अली थानी ने अहमद रज़ा बरेली को बुरा नहीं कहा, कहने लगा यार वो इश्क के वो दर्जे पे होगा वो ये बात कह सकता है, मैं उस दर्जे पे नहीं ये बात नहीं कह सकता। मेरे कहने का मकसद ये बुजुर्गान एक दूसरे को बुरा नहीं कहते, ये हम हैं जो लड़ रहे हैं एक दूसरे को, तो हमारा आपकी क्या पिद्दी और पिद्दी का शोरबा वो पता नहीं किस पे हों किस मंतके पे हों। मुझे सऊदी अरब के पुराने आलमे थी जो पाकिस्तानी राजा खान के वहाँ पे जो लोग रहते हैं जो जहाँ पे साहब इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहीं लिखे थे वहाँ पे अभी भी बैठते हैं, वहाँ पे पाकिस्तान के कुछ सराइकी स्पीकिंग बेल्ट के लोग हैं जो सऊदी हैं, वो बताते हैं जब इमाम रज़ा बरेलवी आए तो इनको दूर से ही रोक दिया गया था ना, पता चल गया इसके अकीदे ऐसे हैं, लेकिन जब ये बाहर जाके दोनों हाथों से लिखने लगे तो वो भी कुछ परेशान हो गए, उनके उस वक्त के बदबू उलमा जो भी थे दोनों हाथ से कुछ लिखने लगे, तो पता नहीं उनके दिलों में क्या बोला इसको जाने दो इसको जाने दो। तो आपने एक नात शरीफ वहाँ पे लिखी थी, मुझे याद नहीं आ रहा लेकिन उसका आखिरी शेर कुछ बड़ा अजीब सा था और मुझे बड़ा तकलीफ़ होती थी क्योंकि मैं मस्जिद हजूर पाक ससन की मस्जिद के पास ही रहता था मदीना शरीफ में, तहज्जुद की अजान और सब अजानें मुझे आती थी, इन्होंने कहा कौन तेरी बात सुनेगा रज़ा, कौन तेरी बात सुनेगा रज़ा, तुझसे कुत्ते हज़ार फिरते हैं, अपने आप को कुत्ता काट। और ये शेर मैं और अक्सर मदीना में पढ़ता था, मस्जिद की ज़ेर साया घर बना लिया है ये बंदा है कमीना हमसाए रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाद बड़ी अजीब सी बातें हो जाती है, मैं तो बड़ा गुनाहगार था, मेरे वालिद साहब की तमन्ना थी जन्नतुल बकी में दफन होने की, शायद मैं इस वजह से उधर चला गया, तो वो उधर ही रहते थे हर वक्त वो नमाज जा रहे हैं आ रहे हैं, तो मैंने एक बार कहा कि आपका अकामा एक्सपायर होने वाला है तो मुझे दिल्ली में उसकी तजदीद करा लूँ, कह लगे चलो मेरे साथ। मैं आपको बता रहा हूँ फिर राहें कैसे उठती हैं, तो तहज्जुद के टाइम बड़ी सख्ती होती है वहाँ पर, हर बंदा रियाजुल जन्ना में भाग रहा होता है जो लोग रहे हैं वहाँ पर, हम भी भागते थे खालिद साहब वालिद साहब को वालदा को ले जाना फिर वहाँ पर, तो मुझे कहने लगे देख ये शुरता पुलिस वाले को शुरता कहते हैं ये खुद रास्ता छोड़ देगा, अभी 10 मिनट बाकी थे शायद बूढ़ा देखे, उसने कहा यार बुझाने तो बंदा मुझे आँख मार के कहने देखा अल्लाह ताला ने तो मेरे लिए रास्ता खुलवाया। इसी तरह मैं आपको बताता हूँ मेरी वालदा को आँखों में नज़र बहुत कम आता था, मैं उनको मजे नबी सल काबतुल्ला में ले गया, अब वो हजरा इस वक्त इतनी भीड़ मैं इधर जाओ उधर जाओ, मैंने कहा मम्मी ऐसा करें आप इसको छोड़ें इसको चुमा हुआ ये बड़ा मुश्किल काम है, शायद उनको पता था आखिरी उम्र है उनका, तो मुझसे कहने लगी तुम्हें अरबी आती तुम्हें शुरते से बोलो, मैंने वो जो शुरता ऊपर खड़ा हुआ था ऐसे करके मैंने बोला इंदा नाना मामा जाने पाकिस्तान बोसा हजर रास्त, उनको नज़र नहीं आता थोड़ा मुश्किल है तो आप प्लीज़ मुझे बोलिए, तो असर की नमाज सोचते हुए असर की नमाज जब खड़ी होगी सब खड़े हो गए तुमने नमाज नहीं पढ़नी अपनी माँ को लेके आना, और वो नमाज़ शुरू हुई थोड़ा रुका मैं अपनी अम्मी को लेके गया, मैंने कहा अम्मी ये पहला पत्थर है ये दूसरा पत्थर आराम से आपकी उम्मीद इसको जितना से अल्लाह ताला खुद बना देता है। अब वहाँ पर वजू कराने का वस्ता ये आ गया मोहम्मद पैदा हुआ था वो मेरी वाइफ घर पर थी, अब वो मस्जिद नबी में तो लोग मुझे जानते थे हम ले गए अंदर अब जनान खाने में कैसे लेके जाएं, तो वहाँ मुझे एक और कराची की मिल गई जो हमारे जानने वाले थे,
तो कहने शेव आप कैसे, मैंने कहा इस तरह मेरी वालदा को थोड़ा वजू करवा दीजिए होटल, फिर मुझे जाना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा, तो वो लेगा अल्लाह ताला खुद ही, फिर अल्लाह माला माला बिल्ला खुद ब खुद सब कुछ करता है। चलिए ओवर टू मेरे वालदैन दोनों जन्नत बकी में दफन हुए, उनकी ख्वाहिश थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख्तअना, रब्बना व ला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अललज़ीना मिन क़ब्लिना, रब्बना व ला तुहम्मिल मा ला ताक़ता लना बिह वाफ़ु अन्ना वाग़फिर लना वारहमना अन्ता मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। आमीन। اللهم اغفر لنا ولوالدي يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. امين. اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامه انك على كل شيء قدير. امين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. امين. امين. क्योंकि देखिए कुरानी आयत है रब्बिरहमुमा,